आज मेरे हाथ में वो शपथ पत्र है जो एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े ने कोर्ट में दिया है। क्यों जरूरत पड़ी ये सब बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें, क्योंकि आर्यन केस में किरण गोसावी का किसी भी वक्त अब सरेंडर हो सकता है। किरण गोसावी ने महाराष्ट्र में अपनी जान को खतरा बताते हुए लखनऊ में सरेंडर करने का फैसला लिया, वो किसी भी समय अब सरेंडर कर सकता है। गोसावी ने सरेंडर करने से पहले आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उसे धमकी भरे फोन आ रहे हैं। कई दिनों से फरारी पर गोसावी ने कहा कि वो खुद को बचाने के लिए छिप रहा था। महाराष्ट्र में मेरी जान को खतरा है, ये दावा है किरण गोसावी का। किरण गोसावी वही शख्स जिसकी तस्वीर वायरल हुई, सेल्फी ले रहा था शाहरुख खान के साथ। विपक्ष से लेकर महाराष्ट्र सरकार सबने सवाल दागे, वो गोसावी उसके बाद सामने नहीं आ रहा था। अब गोसावी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा से किरण गोसावी ने। सबसे पहला सवाल ये, आप हैं कहाँ पे इस समय और क्या आप सरेंडर करने जा रहे हैं पुलिस को? मैं जस्ट 15 से 20 मिनट में लखनऊ पहुंच रहा हूँ, मड़िया पुलिस स्टेशन में। आप सरेंडर कहाँ करने वाले हैं? मैं यहाँ से जो भी नजदीक पुलिस स्टेशन मुझे दिख रहा है वहाँ पे सरेंडर करूंगा। क्या आप मुझे पुलिस स्टेशन का नाम बता सकते हैं? मैं शायद से यहाँ से मुझे लोकेशन के हिसाब से मड़िया पुलिस स्टेशन लग रहा है जो नजदीक है। चूंकि आपके खिलाफ मामला महाराष्ट्र में है और ये पूरा मामला महाराष्ट्र में चल रहा है, पुलिस के सामने क्यों नहीं जा रहे हैं सरेंडर करने के लिए? मैं सामने 6 तारीख को ही जा रहा था, लेकिन मुझे वहां से भी काफी थ्रेटनिंग कॉल्स आए जब मैं पूना पहुंचा कि हम लोग अंदर भी तुझे रहने नहीं देंगे, और काफी कुछ बोला गया है जो मैं पुलिस के सामने ही बोल सकता हूँ। लेकिन अभी आज की मुसीबत ऐसी है कि मुझे सरेंडर करना बहुत जरूरी हो गया। और ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, मुझे गारंटी नहीं है सर, क्योंकि एनसीबी के इतने बड़े ऑफिसर पे अगर इतने एलिगेशंस लग सकते तो मैं तो कुछ भी नहीं। अगर आपने सुबह कहा था आपको धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं 8 से 10 नंबर, उसका मुझे बता सकते हैं वो कौन लोग हैं जो आपको फोन कर रहे हैं? क्या कुछ नंबर आप जारी कर सकते हैं जिन लोगों ने आपको फोन किए हैं उनकी पहचान बता सकते हैं आप? मैं पुलिस स्टेशन में देना चाहूंगा, काफी सारे लोग तो मुंबई से ही है, मुंबई से ही कॉल थे, नंबर्स मुंबई के ही है। और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, पुलिस है, एनसीबी है, कौन लोग हैं? नहीं, एनसीबी भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, पॉलिटिकल लोग ही है। आपने महाराष्ट्र पुलिस में किसी को संपर्क किया सरेंडर करने के लिए? मैंने संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन मेरा फोन किसी ने उठाया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने एलिगेशंस मेरे पे लग चुके थे तो फोन नहीं उठाया मेरा। देखिए, कानूनी प्रक्रिया ये भी है कि अगर आप लखनऊ पुलिस को भी सरेंडर करते हैं, मामला महाराष्ट्र के ट्री में है, तो पूरी संभव है कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस आपकी रिमांड लेकर के आपको वहीं पर ले जाए। तो अल्टीमेटली जाना आपको आगे की कार्यवाही सुनाई के लिए महाराष्ट्र ही होगा सर, लेकिन यहाँ से मैं महाराष्ट्र नहीं पहुंच सकता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मेरा इतना प्रोपोगंडा कर दिया, इतना फेस रिलीज कर दिया है कि मैं कहीं पे भी खड़ा नहीं रह सकता हूँ, और मैंने इतना बड़ा कुछ गुनाह नहीं किया। आप इतने दिन कहाँ छुपे थे? नहीं, मैं छुपा नहीं था, मैं खुद को हाइड इसलिए कर रहा था कि मेरे पास में जो 6 तारीख को कॉल आई थी 1:30 बजे, जब भी मैं पूना गया था कि तुम पुलिस, मैं पुलिस स्टेशन में ही जा रहा था, तभी थ्रेटनिंग कॉल ये आया था कि पुलिस स्टेशन में भी जाओगे तो तुम्हारे साथ में जो होना है वो होना ही है। आपके दरअसल आरोप ये लगा कि आप रैकेट चला रहे थे, आपने शाहरुख खान के जो मैनेजर हैं उनसे पैसे लिए, जो कि प्रभाकर ने करके कहा था, क्या आप पैसे लिए या नहीं? ये सब गलत बातें हैं और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर ऐसा कुछ उसने बोला भी रहेगा तो वो प्रूफ कर दिखाए जो कुछ भी है।